ये भी बताएंगे कि सबसे बड़ा कॉम्पैक्ट पीस कौन सा खरीदा गया, उसकी लोकेशन कहां कहां से एंट्री है, रिंग रोड क्या फैसल टाउन के अंदर से गुजर रहा है। आपको साइट के बारे में कमरे के अंदर बैठ के ही सारी जो चीजें हैं वो दिखाने जा रहे हैं। अगर फैसल टाउन फेज टू के हवाले से बात करूँ, उस प्रोजेक्ट की अफादियत का यहाँ से पता चलता है कि रोड एक्सेस कैसा है, लोकेशन, एक्सेस पॉइंट्स, नियर बाई फीचर्स। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोजाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। मेरा नाम कामरान खान और मेरे साथ हैं जुबैर बशीर। हम दोनों आपके साथ हाजिर हुए फैसल टाउन इस्लामाबाद का जो नया प्रोजेक्ट है न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल फ्रंट साइड पे, उसकी लोकेशन एक तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने रिवील की, लेकिन वो हम तमाम रियल स्टेट बुराते थे, आज MZS के प्लेटफॉर्म से वो रिवील किया जा रहा है और हम आपको डिटेल से बताएंगे कि कितनी ज़मीन खरीदी गई, कौन कौन से लोगों से खरीदी गई, कौन कौन सी सोसाइटियाँ इसके अंदर आई, ये सारी तफसीलात हम बयान करेंगे। ये भी बताएंगे कि सबसे बड़ा कॉम्पैक्ट पीस कौन सा खरीदा गया, छोटा कॉम्पैक्ट पीस कौन सा खरीदा गया, और इस वक्त फैसल टाउन के पास कितना कॉम्पैक्ट पीस है, और इसमें बाकायदा से हम आपको शॉट्स भी देंगे उस लैंड के प्रोवाइड करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आपने हमारी इस वीडियो को वो तफसील के साथ देखना है, एंड तक देखना है, ताकि आपको समझ आए कि तीन गेट कौन से हैं, कहां कहां से एंट्री है, रिंग रोड क्या फैसल टाउन के अंदर से गुजर रहा है, और अगर रिंग रोड फैसल टाउन के अंदर से गुजर रहा है तो वहाँ सेक्शन 4 लगेगा, सेक्शन 4 लगेगा तो डेवलपमेंट लेट हो जाएगी अगर रिंग रोड लेट हुआ। इन सारे पॉइंट्स पर हमने तफसीली बात करनी है। खुशामदीद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया। क्या फैसल टाउन के हवाले से आज हम जो एक कंप्लीट रिवील करने जा रहे हैं, इस हवाले से बेसिक क्या मालूमात हैं आप? देखिए, एक तो पहले मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि सबसे पहले MZS आपको साइट के बारे में कमरे के अंदर बैठ के ही सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाने जा रहे हैं, तो इससे पहले आपको शायद कोई व्यू ऐसी मिली नहीं होगी, ओरिजिनल साइट पे दिखाने जा रहे हैं। तो वैसे उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, वन बाई वन हमारी वीडियोज बनेगी, हम उनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो है जो वहाँ पे जमीन है उसकी खरीदारी। ज़्यादातर मसाइल जो लैंड लिटिगेशन के आ रहे होते हैं, अभी भी अगर मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक गेट खत्म हुआ, गेट शिफ्ट करके आगे गया, वजह क्या थी कि उनकी लैंड लिटिगेशन का प्रॉब्लम था, वो हल नहीं हुआ और मालिक को वापस चले गए प्रॉब्लम। तो ये सेक्शन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैंड लिटिगेशन के प्रॉब्लम इस पर अगर नहीं है तो दी बेस्ट प्रोजेक्ट। इस सिलसिले में मैं आपसे पूछूंगा कि क्योंकि आप उस जमीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं, उस एरिए में खरीदारी मालकों का नाम आपको पता है, तो आप ज़रा बताएं कि क्या लोगों को यहाँ पर या सोसाइटी को लैंड लिटिगेशन की प्रॉब्लम हो गई, या कंपैक्ट पीस ऑफ लैंड इन्होंने जो एक्वायर किए हैं ये बिल्कुल प्रॉब्लम के बगैर सारी चीज़ें के पास आई हैं? सबसे पहले तो जुबैर साहब, हमारे जो नाज़रीन हैं उन तमाम दोस्तों को मैं कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको पसंद आए तो फीडबैक जरूर दें, और फैसल टाउन के हवाले से हम एक सेशन शुरू करने जा रहे हैं आपके कॉमेंट्स का जवाब, और आप अपना कॉमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, आपकी फीडबैक पे पॉसिबली हमारी अगली वीडियो फैसल टाउन इस्लामाबाद की। सो अब मैं जुबैर साहब के सवाल की जवाब की तरफ जाता हूँ नाज़रीन, के लिटिगेशन के हवाले से, लिटिगेशन वहाँ पे होगा जहाँ 20 कनाल, 30 कनाल, 25 कनाल जमीन या फिर 100 कनाल सबसे बड़ा कॉम्पैक्ट पीस अगर दिया गया हो, तो फैसल टाउन फेज टू के हवाले से बात करूँ और फैसल टाउन के कस्टमर्स के हवाले से बात करूँ या चौधरी अब्दुल मजीद साहब के हवाले से बात करूँ, तो ये इस मामले में काफ़ी लकी रहे, और वो लकी इसलिए रहे कि इन्होंने बड़े बड़े कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड लिए, और जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उन वो लोग सबसे लकी हैं, वो इसलिए हैं कि चक्री रोड के ऊपर जितनी भी सोसाइटीज़ ने लैंड एक्वायर की है वो 1 लाख रुपया कनाल, 2 लाख रुपया कनाल कागज़ खरीदे गए, 3 लाख रुपया कनाल, 2.5 लाख रुपया, फिर पीछे सालों साल उनके केसेस चले,
लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि चक्री रोड से अगर जो ज़मीन उन्होंने एक्वायर की है उन्हें मैं स्टार्ट करूँ, और साथ साथ आप देख भी रहे होंगे कि दानियाल टाउन में अगर चले जाएँ तो दानियाल टाउन कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, जिस हवाले से जिन मालकान से खरीदा गया वो तो हमेशा ये कहते थे कि दानियाल टाउन 15 से 22 हज़ार किनार है। लेकिन अगर मैं एक असल अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूँ जो हमेशा मैं अपने कस्टमर को बताता रहा हूँ, तो दानियाल टाउन का तकरीबन 5 से 7, 7.5 हज़ार किनार का कॉम्पैक्ट पीस है दानियाल टाउन में। हाँ जी, लेकिन दूसरा जो कॉम्पैक्ट पीस है वो जनरल सलीम साहब वाली ज़मीन है, वो बड़ा कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड है, और वो भी राउंड अबाउट जो है ना, राउंड अबाउट में वो कन्फर्म चार हज़ार कनाल का पीस है। अच्छा जुबैर साहब, एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि दानियाल टाउन का पीस है या फिर सेकंड जो है ना जनरल सलीम साहब का पीस है जो लैंड का, वो हमारे नाज़रीन ये ना सोचे कि फैसल टाउन ने 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया 3 लाख 5 लाख 7 लाख रुपया कनाल खरीदा होगा, नहीं, ये वो लोग हैं जनरल सलीम साहब हो गए या दानियाल टाउन के मालकान हो गए, इन्होंने मतलब आज से तकरीबन वो 7-9 साल पहले आपको पता है कि 12 लाख 15 लाख रुपए की डिमांड और दानियाल वाले तो सेल आउट ही करते थे। ये मेरे ख्याल में जो बड़े कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड हैं जो ट्रांसफर करवाए गए हैं ZM के नाम पे ट्रांसफर हुए हैं 15 से 20 लाख रुपए कनाल के हिसाब से पर कनाल से, पॉसिबली अगर कम हुआ होगा तो 12.5 से 20 के दरमियान आप ये कहें कि वो ट्रांसफर हो गए। और जनरल सलीम साहब की जो जमीन है आप देखें ZM ने 100% वो सारी की सारी ग्रे लैंड कर दी है, हाँ जी ग्रे लैंड कर दिया है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि वो जो उनका डेरा बना हुआ था और बाकी सारी चीजें वो आप 100% वहां से खत्म हो। दूसरी अगर आप दानियाल टाउन बताऊं तो दानियाल टाउन तकरीबन 7 से 7.5 हज़ार कनाल पीस ऑफ लैंड है, और वो आपको अच्छी तरह से पता है कि उसके अंदर सड़कें बनी हुई हैं, सारी चीज़ें बनी हुई हैं, मतलब अगर मैं कहूँ कि 10 से 15% डेवलपमेंट उसके मतलब ग्रे है तो बाकी इन्हें करना पड़ेगा। दो जो चक्री रोड से इन्होंने दो पीस खरीद लिए वो राउंड अबाउट 10 से 12 हज़ार कनाल का दो पीस। अब अगर तीसरा एक सोसाइटी उसका शायद मैं नाम भूल रहा हूँ लेकिन दूसरी जो है बाहर का हुआ राउंड अबाउट 2.5 से 3 हज़ार कनाल या 4 हज़ार कनाल बाहर का हुई है, ठीक है। अब एक सोसाइटी गलबन आपने मुझे याद दिलाई थी, नहीं कोई और था इस तरह का वैदिक टाइप का नाम था, ये कोई हाँ वो एक और सोसाइटी है उसके पास भी 1,000-1,200 कनाल जगह थी। ये अगर 3-4 बड़े कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड की हम बात करें ना ये मिला के तो फैसल टाउन के पास 4 बड़े जो सोसाइटीज के पास थे इनकी अगर हम बात करें तो ये बड़े पीस अगर हम मिला लेते हैं ना तो ये 18 से 20 हज़ार कनाल बन जाते हैं, बड़े कॉम्पैक्ट पीस। लेकिन जूं ही आप जनरल सलीम साहब वाली जगह ना वो जो सिल थी वो क्रॉस करके पार वाली साइड पे चढ़ रहे हैं तो आगे बलोचिस्तान वालों की 2,000 कनाल जगह थी खान साहब की, वो भी एक बड़ा कॉम्पैक्ट पीस ही मिला। लेकिन वो भी अगर आप लोग मेरे नाज़रीन में से कोई समझता है कि वो भी 1,000, 2,000, 3,000 कनाल मूरत में ही नहीं है, जो कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड ये बड़े पीस ऑफ लैंड थे सारे, बड़े पीस ऑफ लैंड ये जो इकट्ठे किए गए। और इन पीस ऑफ लैंड के अलावा छोटे पीस ऑफ लैंड 100, 250, 60, 70 कनाल दूं चले हैं, लेकिन ये लकी रहे हैं कि इन्हें 25 से 30 हज़ार कनाल की जो पीस था वो कॉम्पैक्ट मिल गया, आसानी खरीदारी थोड़ी सी आसानी होगी। हाँ, और नाज़रीन पूछेंगे कि अभी तक कितनी आप उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं तो अभी तक कितनी ज़मीन है जो आप उनके नाम है। देखें अभी तक जिस जमीन के ऊपर फैसल टाउन ने ना 100% अपने साइन बोर्ड लगा दिए राउंड अबाउट 70,000 कनाल से लेके 1,00,000 कनाल तक उनका एक ये एरिया बनता है जो थनिया और चक्री रोड के दरमियान में पैच आ रहा है। तो और उस एरिया में अगर आप जाएंगे ना तो जितने फार्म हाउसेज इन्होंने खरीदे हैं या जितने बड़े रकबे खरीदे हैं उनमें जितने पिकेट्स आ रहे हैं
या जो भी चीजें आ रही हैं तो आपको पता चलेगा वो वाइट वॉश कर दिए हैं जी ऐसे ही। और आज हमने जो चीजें देखी हैं तो जितने भी साइंस से वो उनको उन्होंने नकल कर दी है। हाँ, और उस पे बाकायदा से मुकम्मल फैसल काउंट को भी दिखा गया लेकिन एफडी दिखा दिया है, आपकी सिक्योरिटी उन्होंने अलर्ट कर दी है और प्लस साथ साथ वहाँ पे जेडएम इंटरनेशनल बड़ी तेजी से काम कर रहा है, लैंड को ग्रेड किया जा रहा है। सो ये जो फैसल टाउन की जो चक्री रोड की जमीन है उसका ये थोड़ा सा रिव्यू है। मजीद सर मजीद थोड़ा सा मुझे उसके अप्रोचिंग रूट्स के बारे में थोड़ा डिटेल से बता दें कि ये बाकी से कैसे मुनफरिद है, यहाँ पे इस बाकी सोसाइटी में लोकेट कर रही है तो बाकी से फैसल टाउन फेसबुक की लोकेशन एक्सेस पॉइंट्स के हिसाब से कैसे मुनफरिद है? देखिए बाकियों से मैं बाकी सारों की बात तो नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कैपिटल स्मार्ट सिटी की। ठीक है, कैपिटल स्मार्ट सिटी से ये इस तरह मुनफरद है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जिस वक्त बना था ना उसका मोटर जैसे प्राइमरी रूट कोई भी नहीं था और उन्हें इस मकसद के लिए ना तकरीबन अरबों रुपये इन एच ओ को देना पड़े रास्ते के असूल के लिए। और जो भी साहब इस मामले में इसलिए लकी है कि बाहर कानून वाली साइड से जिस तरह मैंने आपको बाहर कानून का बताया ठगिया से डायरेक्ट उनका एक्सेस है, जूं या इंटरचेंज से नीचे उतरे उनका एक्सेस है, मूर्ति मोड़ से जूं आप अंदर आते हैं तो मेन जो जनरल रोड है उसे छोड़ते ही साथ ही जो पुराना दनियाल ब्लॉक वाला गेट था वो आप फैसल टाउन का गेट बन गया, उधर से इनका एक्सेस है, टॉप क्लास का एक्सेस इनका मूर्ति मोड़ वाला है टॉप क्लास का। और मतलब इस वक्त भी अगर आप मूर्ति मोड़ पे चले जाएं तो मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि मूर्ति मोड़ पे इस वक्त भी जमीन वो 22 से 25 लाख रुपया मांग रहा है फ्रंट के ऊपर जो जमीन है वहां पे उनका गेट लग रहा है। और चारों तरफ आबादी है, बिजली पानी गैस गुंजान आबादी है मूर्ति मोड़ पे, बिजली पानी गैस वहां पे मौजूद है। ठीक हो गया। और आज अपने विजिट के दौरान जो जमीनी खदुखाल हैं लैंड फीचर्स आपने कैसे पाए हैं सोसाइटी और डेवलपमेंट के हवाले से? देखिए मैं आज का जो मेरा विजिट था तकरीबन वो 500 मरतबा से ज्यादा इससे पहले भी मैं जा चुका हूँ, मैं खदुखाल को बहुत पहले से जानता हूँ। देखिये कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो खदुखाल है ना वो थोड़े से मुश्किल थे, कटिंग और फिलिंग उसमें बहुत ज्यादा थी और बिल्कुल वर्टिकल कटिंग्स भी थी, कटिंग फिलिंग्स उसमें बहुत ज्यादा थी। लेकिन ये इस मामले में लकी इसलिए रही कि इनका फ्रंट जो है ना तकरीबन 12,000 कनाल का पीस फ्रंट का 12 जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी ने हैवी कटिंग और फिलिंग की वो 12,000 कनाल का पीस इनका कुछ तो पहले जो सोसाइटी सम हुई मर्ज हुई उन सोसाइटीज ने डेवलप किया हुआ था कुछ बेहतर था और कुछ इन्होंने खुद कर लिया, वहाँ पे इतना बड़ा टाउन शार्ट में हमारे नाज़रीन देख भी रहे होंगे इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। और दूसरा जो है ना खदुखाल के हवाले से अगर बात करें ना तो जो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के फ्रंट वाली साइड है वो सारी की सारी प्लान आउट क्लास 80-70% इनके पास आउट क्लास। इनके पास जो खत मतलब ज्यादा वर्टिकल जमीन आती है वो दानियार टाउन की जो एंट्री है फैसल टाउन की आप जो एंट्री बनती है उसके सामने जो थोड़े से पहाड़ है वो भी ना होने के बराबर है, पत्थर अभी भी 22 मीटर ना पड़ेगा 20 मीटर बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हो गया उसकी लोकेशन एक्सेस और जमीनी खदुखाल, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फ्यूचर में इसकी लोकेशन के अंदर रिंग रोड का आप एक्सपेक्ट देख रहे हैं तो रिंग रोड जब इसमें आएगा तो सेक्शन 4 और डेवलपमेंट का असर क्या होगा और इसकी साइड की फिर वैल्यू क्या बनेगी? देखिए ये मैं नाजरीन अपने को ड्रॉन शॉट दिखा रहा हूँ और यहाँ पे बाकायदे से मैं ये लाइन खींच रहा हूँ। देखें आप अगर ये कहें कि रिंग रोड फैसल टाउन के अंदर आ रहा है और सेक्शन 4 लगेगा ऐसा नहीं है, रिंग रोड कैपिटल स्मार्ट सिटी और फैसल टाउन के दरमियान से गुजर रहा है। ठीक है, और यहाँ से जो रास्ता है वो बाकायदा से इंटर मतलब यहाँ से निकल के रिंग रोड से सीधा अंदर आएगा बिल्कुल कैपिटल स्मार्ट सिटी और इसके फैसल टाउन के दरमियान से गुजर रहा है नंबर एक। और नंबर ना कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर है और ना फैसल टाउन के अंदर है रिंग रोड राउट। ठीक है, इसलिए सेक्शन 4 लगने के जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं
ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है चक्री रोड पे जब भी कोई छोटा या बड़ा डेवलपर गया फॉर्म जात में आया और साथ साथ जमीन खरीदारी करते हुए जमीन की खरीदारी करते हुए उसे तंग भी किया गया, टेंशन भी दी गई, लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह पे। हम जो हकायक वहाँ के हवाले से जाते हैं उसमें कोई सेक्शन 4 की जात में फैसल टाउन का कोई भी हिस्सा नहीं आने वाला। कमरान साहब चले, ये तो लोकेशन और इनके बारे में चीजें होंगी, चलिए इसी से रिलेटेड एक और बात बता दें कि इसके नियर बाय कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनसे ये मुस्तफीद हो सकते हैं। देखें, जहां तक हम जियोग्राफिकल मैपिंग्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नियर बाय की अगर बात करें तो फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कैडेट कॉलेज है, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट है और उसके बाद M2 मोटरवे है, ठीक है। देखें, कोई भी प्रोजेक्ट है ना उसकी अहमियत और हैसियत का यहाँ से पता चलता है और उस प्रोजेक्ट की अफादियत का यहाँ से पता चलता है कि रोड एक्सेस कैसा है। देखें, सबसे पहले आपके घर में अगर कोई मरीज आ, आप ऑफिस से वापस आ रहे हैं या आपके बच्चे आ जा रहे हैं तो क्या उसको एक ही रोड एक्सेस है और वो भी मतलब कंजेस्टेड पॉपुलेटेड एरिया में है तो वो प्रोजेक्ट फजूल है, ठीक है। लेकिन अगर हम फैसल टाउन को देखेंगे तो रिंग रोड एक, चक्री रोड दो और मोटर वे तीन, और तीनों आउट क्लास मतलब एक्सेस है। उसके बाद सेकंड चीज आ गई कि क्या ये तो आपको बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं कैपिटल स्मार्ट, लार्ज कैपिटल स्मार्ट सिटी फैसल टाउन, ये इनकी तो अपनी हॉस्पिटल्स हैं जैसे बैरियर टाउन वगैरह हैं, लेकिन हर एक बंदा इतने बड़े हॉस्पिटल या कॉस्टली हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकता। मैं कल की खबर सुनी है आपके साथ, ऐसी बात से शेयर कर देते हैं, अलशिफा हॉस्पिटल का नाम लोगों ने सुना होगा, कल उनके साथ कैंप में नुकसान हुआ है और बहुत ज़्यादा आप खबर सुनेंगे कि उनका जो सेटअप है मेडिकल का वो फैसल टाउन फेसबुक के अंदर आ रहा है। लेकिन देखें, जो बंदा अलशिफा नहीं जा सकता, कॉस्टली है, बड़ा ब्रांड है, जो बंदा अलशिफा नहीं जा सकता वो हार्ट का मरीज है, शुगर का मरीज है, वो कहाँ जाएगा? वो CMH रावलपिंडी से हार्डली आप 15 मिनट की ड्राइव पे, कंटोनमेंट हॉस्पिटल से आप 15 मिनट की ड्राइव पे, यानी कि 29 किलोमीटर अवे फ्रॉम CMH रावलपिंडी, ठीक है। उसके बाद आपके बच्चे फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, कैडेट कॉलेज में जा सकते हैं, इस्लामाबाद बड़े इजी एक्सेस है आपके बच्चों में यूनिवर्सिटी, आप नस्ट में जाना चाहते हैं, नंबर में जाना चाहते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे ये आपको फैसल टाउन में नहीं मिलेगा कि अभी रोड एक्सेस ही नहीं है तो घर कैसे चलाए। इनके आप देखेंगे कि इनके तीन रोड एक्सेस के इनके तीन पॉइंट है, एक अभी तक मौजूद नहीं है रिंग रोड रावलपिंडी, दो यानी कि M2 मोटर वे और चक्री रोड, इनके प्राइमरी रूट्स बनते हैं। इस हिसाब से इस प्रोजेक्ट की अहमियत और अफदियत का अंदाजा लगाएं कि M2 मोटर वे और चक्री रोड दो प्राइमरी रूट इसके बनते हैं। ये इसलिए चौधरी अब्दुल मजीद साहब को रियल स्टेट डैड कहा गया, क्योंकि उन्होंने प्राइमरी रूट कैपिटल स्मार्ट सिटी से लाके छीन लिया, उनका इंटरचेंज बनेगा तो बनेगा, इनका प्राइमरी रूट है। जी, तो डिटेल में डिस्कशन हुई है लोकेशन, एक्सेस पॉइंट्स, नियर बाई फीचर्स और बाकी आने वाले दिनों में जो जो इसकी डिटेल से चीज़ें हैं इसी तरह वन बाई वन वीडियोज बनाएंगे और आप लोगों के सामने लेके आएंगे। जी बिल्कुल, और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर ये जो नंबर चल रहा है इसके ऊपर रब्ता करें और कमेंट में जरूर फीडबैक दें। इसी के साथ जुबैर बशीर और कामरान खान को इजाजत दें, खुदा हाफिज़।